मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी संस्कृत टीचर श्रीमती रेणु निगम और यह वीडियो क्लास थर्ड के बच्चों के लिए है। तो बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत में क्या पढ़ाऊंगी, फलों के और सब्जियों के नाम जो संस्कृत में कैसे बोले जाते हैं। तो पाठा षष्ठ, पाठा मतलब पाठ, षष्ठ मीन्स सिक्स छः, और अनेकानी फलानी च शाखा, अनेकानी मीन्स अनेक, फलानी मीन्स फल, चा मीन्स एवं, और शाखा मीन्स सब्जियां। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे शाखा, सबसे पहले शाखा, शाखा जिसको सब्जियां बोलते हैं। आप देखिए कुछ ऐसे सब्जियों के नाम बताएंगे हम आपको संस्कृत में। सबसे पहला है पंसा, पंसा, पंसा। अब पंसा को हम क्या बोलते हैं, कटहल। क्या बोलते हैं, कटहल। अब कटहल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, जैक फ्रूट। क्या बोलते हैं, जैक फ्रूट। अब हमारा दूसरी शाखा है कुष्मांडम, कुष्मांडम, कुष्मांडम मतलब काशी फल। अब आपको काशी फल भी नहीं पता होगा, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको पता होता है या उनके पेरेंट्स को पता होता है कि काशी फल क्या होता है। काशी फल को हम लोग बोलते हैं कद्दू, काशी फल को क्या बोलते हैं, कद्दू, चाहे कद्दू बोल लीजिए चाहे काशी फल बोल लीजिए। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पंपकिन, पंपकिन, पंपकिन। अब देखिए तीसरी शाखा है हमारी मूलकम, मूलकम, मूलकम क्या हो गया, मूली। और मूली को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिश। ये हमारे संस्कृत शब्द हो गए, ये हमारे हिंदी शब्द हो गए, और इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए अब हमारी चौथी शाखा है करकटी, करकटी, करकटी को क्या बोलते हैं, खीरा। और खीरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कुकुम्बर। अब हमारी पांचवी शाखा है अलाबू, अलाबू, अलाबू क्या हो गई, लौकी। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गॉर्ड, जी ओ यू आर डी, गॉर्ड। अब देखिए जंबीरा, चटनी सब्जी हो गई हमारी जंबीरा, जंबीरा हो गई नींबू, नींबू। और नींबू को क्या बोलते हैं, लेमन। नींबू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेमन। ये तो हो गई कि हमारी सब्जियां जिनको हम लोग संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब हमारे क्या है, फलानी, फलानी मतलब फल। अब हमारे फलानी है फलानी मतलब फल। तो देखिए सबसे पहला फल हमारा क्या है, यहाँ पर
कदली फलम, कद ली फलम, कदली फलम को हम क्या बोलते हैं? केला। और आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि केले को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? बनाना, बी ए एन ए एन ए, बनाना। अब हमारा दूसरा फलारी क्या है? सेवम। तो सेवम से आप समझ ही गए होंगे कौन सा फल है ये? सेब, सेब। तो सेब का भी पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। अब इसके बाद क्या है? आम्रम। हमारा तीसरा फलानी है आम्रम। आम्रम हो गया आम, और आम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंगो, मैंगो। अब इसके बाद हमारा है नारंगम, चौथा फल है हमारा ना रंगम। नारंगम हो गया हमारा संतरा, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑरेंज, ऑरेंज। अब देखिए पांचवा फलानी हमारा है पेरू। क्या है? पेरू। पेरू को क्या बोलते हैं? अमरूद, अमरूद। अब अमरूद को इंग्लिश में बोलते हैं ग्वावा। अमरूद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्वावा। जी जी यू ए वी ए, जी यू ए वी ए। अब हमारा छठवां फलानी क्या है? नारिकेला, नारी नारी के ला, नारिकेला हो गया नारियल, और नारियल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोकोनट। नारियल को क्या बोलते हैं? कोको, कोकोनट। क्या बोलते हैं? कोकोनट। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको संस्कृत में क्या बताया था? सबसे पहले मैंने बिना मात्रा वाले शब्द बताए थे, फिर उसके बाद मैंने आपको मात्राओं वाले शब्द बताए, फिर गिनतियां बताई, अब मैंने आपको संस्कृत में फलों और सब्जियों के नेम बताए हैं। तो इसको आप लर्न करिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इस चैप्टर को लेकर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे गूगल मीट पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।